शाह कलंदर साहिब की दरगाह पर इंद्री में चल रहे सालाना उर्स मुबारक व भंडारे पर विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। सर्वधर्म एकता का प्रतीक हजरत इलाही बू अली शाह कलंदर साहिब की दरगाह पर इंद्री में चल रहे सालाना उर्स मुबारक व भंडारे पर विशेष शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बाबा जी की शान में पंखा निकाला गया। शोभा यात्रा वार्ड एक दरबार कलंदर साहिब संत कॉलोनी से सुबह 11 बजे प्रारंभ होकर मेन बाजार शहीद उधम सिंह चौक गढ़ी बीरबल रोड सब्जी मंडी नया बाजार मटक माजरी अड्डे से होती हुई दरगाह शरीफ पर पहुंची। इस शोभा यात्रा में बाबा जी की पालकी रथ बग्गी पंखों चादरों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व भारत माता की झांकी बाबा जी के चमत्कारों से जुड़ी हुई झांकियां 12 साल तपस्या करने वाली झांकी व कई अन्य झांकियों को प्रस्तुत किया गया। ये सभी झांकियां आपस में भाईचारे का प्रतीक दर्शा रही थी। शोभा यात्रा में करनाल के मशहूर बैंड ने अपनी धुनों से दमादम मस्त कलंदर की कव्वाली प्रस्तुत की जिससे दर्शक झूम उठे। हाँ, हमारे कलंदर साहब पीर पर दूर दूर से आए लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वैसे तो हमारे इंद्री की जनता सभी ये जानती है कि हर साल 17-18 तारीख को यहाँ पर बाबा कलंदर साहब पीर की उसमें उर्स का प्रोग्राम बहुत वार्षिक उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जिन लोगों की मान्यता पूरी होती है वो यहाँ पर चदरे चढ़ाने आते हैं, पंखे चढ़ाए जाते हैं। बाबा का नाम बहुत है और सब धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और मान्यता मांगते हैं और पूरी होने पर चदरे चढ़ाने आते हैं। हर साल यहाँ पर संस्था के द्वारा वार्षिक भंडारा किया जाता है और सबको बहुत बहुत खुशियाँ मिलती हैं यहाँ पर आकर। शहर में बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकलती है, पहले सारे शहर का भ्रमण करती है शोभा यात्रा और जिसमें छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। शोभा यात्रा देखने वाली होती है, बहुत बड़ी स्केल पर बहुत बढ़िया उत्सव मनाया जाता है ये वाला। और यहाँ पर बाबा की कृपा से हर साल भारी मात्रा में लोग यहाँ पर आते हैं और 2 दिन का प्रोग्राम बहुत अच्छा चलता है। रात को यहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम होता है जो बहुत दर्शनीय है और जो जो लोगों की मान्यता यहाँ पे पूरी होती है वो यहाँ पर आते हैं और खुशियाँ पाते हैं बाबा के दरबार से। 17 और 18 नवंबर को इंद्री हल्के के अंदर बाबा गो कलंदर साहिब की दरगाह के ऊपर बहुत ही बड़ा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है जिसमें दूर दूर से जनता यहाँ पर बाबा जी की आस्था में जितना विश्वास रखा जाता है दूर दूर से आते हैं। लोग अपनी मुरादें मांगते हैं और उन लोगों की मुरादें पूरी होने पर लोग यहाँ पर चदरें चढ़ाते हैं, पंखे चलाए जाते हैं और बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक हर आदमी इस शोभा यात्रा में इसका हिस्सा बनते हैं और उस शोभा यात्रा को पूरे शहर के अंदर निकाला जाता है। और वो शोभा यात्रा निकलने के बाद यहाँ पर बाबा जी की दरगाह पर चदरें चढ़ाई जाती हैं, मन्नतें मांगी जाती हैं। तो मैं तो हरियाणा के सभी लोगों को यही कहूँगा कि यहाँ पर आएँ, अपनी मन्नतें मांगें और बाबा जी का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। ये हरियाणा के हर प्रांत से हर ज़िले से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर 2 दिन का बहुत मेला लगता है। शाम को कव्वाली का भी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जो कि देखने अपने आप में एक देखने लायक चीज़ है। तो आदमी अपने मन में कोई मुराद लेकर आता है, कोई आस्था रखता है और उसकी वो जब मुराद पूरी हो जाती है तो उसका उस धर्म में एक विश्वास बन जाता है और वो उस विश्वास के नाते ही वहाँ पर आता है। और जो वो विश्वास है जब हम किसी पत्थर में भी करते हैं उसी को पूछते हैं तो वो जो विश्वास जो चीज़ होती है वही हमारा परमात्मा है, वही सब कुछ है। तो आप कब से यहाँ से जुड़े हुए हो? मुझे तो जुड़े हुए 35 साल से ऊपर हो चुके हैं। जब यहाँ पर कुछ दिन था चारों तरफ जंगल हुआ करता था और एक छोटी सी मजार हुआ करती थी और मैं उस समय से 35 साल से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। दीवा जलाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं, बाबा जी का मान सम्मान करते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और मैं अपने अगर मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन से अगर मैं कहूँ तो मैंने आज तक बाबा जी के मजार पर जो भी मांगा है वो मुझे मिला है। देखो, हमारा जो भारत देश है वो जिसमें हिंदू धर्म सारे धर्मों का जो पूर्ण रूप से सम्मान किया जाता है और इसी तरह इस बाबा जी की यहाँ दरगाह के ऊपर भी जो लोग मतलब यहाँ पर मन्नत लेके आते हैं सच्चे मन से जो आते हैं, जिनके मन में कोई छलावा नहीं है किसी भी प्रकार का, और जो लोग मन्नत के साथ आते हैं उनकी वे मन्नतें पूरी होती हैं और उसी आस्था और उस विश्वास के साथ दूर दूर से प्रांति प्रांति के लोग यहाँ पर आते हैं। सभी धर्मों में